नुपुर शर्मा जी के बारे में क्या हुआ? नुपुर शर्मा ने फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की याचिका। तो नुपुर शर्मा ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, पुनः दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इस बार जो है दो चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो टिप्पणी करी है उसके बाद से मेरी जान को और ज्यादा खतरा हो गया, इसलिए पहली बात तो इन टिप्पणियों को हटाया जाए। वैसे तो लिखित में कहीं है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद क्लेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट दे कि ये टिप्पणियां कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई मुझे सारे केसेस में जो है जमानत दी जाए, और फिर से पुनः एक ही बात कही कि सभी केसेस को एक FIR की जाए, सबकी एक जगह मुकदमा चले। तो एकदम क्लियर है और फिर से पुनः पहुंच गई है। और उम्मीद 99% हम ये करेंगे उम्मीद कि जो जो दो जजेस थे जिन्होंने कमेंट करे थे वो कमेंट उनके वापस किए जाए, वो कमेंट उनको उनके वापस किए जाए। खैर, नुपुर शर्मा के लिए तो उन्होंने बोल दिया कि साहब नुपुर शर्मा की वजह से पूरे देश में दंगा हो रहा, फलान हो रहा, ढिकान हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। लेकिन जुबेर के लिए तो साहब पूछे मत। जुबेर को यूपी में दर्ज मुकदमों में बड़ी राहत देकर बोला सुप्रीम कोर्ट, एक के बाद एक FIR परेशान करने वाला। बोलते एक के बाद एक FIR जो आप कर रहे हो वो परेशान कर रहे हो, आप जबरदस्ती परेशान कर रहे हो। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब आप कोई भी नई FIR या कोई नया एक्शन जुबेर के खिलाफ नहीं लेंगे। ठीक है ना, वो क्या कहा वो भी सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को 20 जुलाई तक जुबेर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने को कहा। तो 20 जुलाई तक अब कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती पुलिस। कोई भी कार्रवाई का मतलब FIR भी दर्ज नहीं कर सकती, इसका मतलब तो ये हो गया। तो नई FIR भी दर्ज नहीं होगी 20 जुलाई तक, 20 जुलाई के बाद ये बात होगी, जबकि जो कार्रवाई हो रही है पुरानी FIR में हो रही है। मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या ऑनरेबल जजेस देखते नहीं है क्या? उनके सामने जो पेपर्स होते हैं उसको देखते होंगे तभी निर्णय देते होंगे। कमाल, हो सकता हमको ही शायद कुछ गलत मालूम है। ठीक है ना, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है nshuklain@upi। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/nitinshukla पर और paypal.me/nitinshukla.gwl पर कॉन्ट्रीब्यूट कर दे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल टू रिसीव अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम अ वीडियो इज अपलोडेड। If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/sanathani, paypal.me/sanathani.